तंत्र के लिए शुभ दिन है। भ्रष्टाचार में डूबी हुई कांग्रेस को आज करारा झटका लगा है। हरियाणा में हिसार का चुनाव हम लोग जीते हैं। बिहार में दरौंदा में हमारी उम्मीदवार जीती हैं और महाराष्ट्र में खरकवासला में जो बारामती लोकसभा क्षेत्र का की एक विधानसभा है वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ने विजय पताका फहराई। ये नतीजे भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। ये नतीजे कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ हैं। और हिसार, दरौंदा और महाराष्ट्र में जो हमारी जीत हुई है ये पूरी तरह से देश की जनता की जीत है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वालों की जीत है और कांग्रेस के लिए अलार्म है कि अभी भी वो भ्रष्टाचार को कवरअप करना बंद करें। लोगों में कांग्रेस के प्रति गुस्सा है, उसका प्रकटीकरण है ये चुनाव नतीजा। जिस तरह से भ्रष्टाचार के मुद्दे को दबाने की कोशिश कांग्रेस की सरकार ने की है, धरना प्रदर्शन अनशन ये सारे तरीके जनता उपयोग में लाती है, लेकिन जो असली चोट होती है वो वोट के ज़रिए होती है। और कांग्रेस की सरकार जिस तरह से भ्रष्टाचार को कवरअप कर रही थी, इस पूरे चुनाव पर देश का ध्यान था। ये जो उपचुनाव हुए हैं ये मामूली चुनाव नहीं है। ऐसे उपचुनाव देश में कई जगह होते रहते हैं, लेकिन हिसार का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण रहा क्योंकि यहाँ पर केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार है, राज्य में भी कांग्रेस की सरकार है, पूरी ताकत कांग्रेस ने लगाई। और चाहे वो बिहार हो या हरियाणा, कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी अब हो गई, कहीं पर भी वो मुकाबले में भी नहीं है। आज की जीत देश की जनता की जीत हम मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अडवाणी जी की जन चेतना यात्रा में मैं भी शामिल होने के लिए बिहार गया था, वहाँ के बाद आज ही लौटा हूँ। और जिस तरह का जन समर्थन जन चेतना यात्रा को मिल रहा है वो इसकी कल्पना भी नहीं थी कि इतना अपार समर्थन मिलेगा। नागपुर यात्रा पहुँची है और बहुत भव्य स्वागत वहाँ पर अडवाणी जी का हुआ है। अडवाणी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ राजनीति में काम करने वाले लोगों के लिए एक प्रमाणित नाम और चेहरा है। वो देश में काले धन के वापसी के लिए, देश में भ्रष्टाचार जो फैला हुआ उसके लिए, देश के अंदर जो आज का राजनीतिक वातावरण है उस पर लोगों में को जगाने के लिए जन चेतना यात्रा लेकर निकले हैं और उसको अपार समर्थन मिल रहा है जनता का, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत खुशी का बायस है। ये जीत हिसार की जनता की है, ये जीत देश की जनता की है और ये जीत उन सब की है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं।